एटीएस टीम ने कुछ समय पहले एक मुठभेड़ के बाद मेरठ इलाके के दो नामी ऑटो लिफ्टर्स को अरेस्ट किया था। उसी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए हमें उनके रिसीवर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है और अभी हमने वहाँ से एक रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, यानी कि जो चोरी की गाड़ियों को खरीद के उसको आगे सप्लाई करते थे मार्केट में, उस तरह के एक व्यक्ति अजरुद्दीन अलियास अज्जू को हमने गिरफ्तार किया है। ये मेरठ यूपी का ही रहने वाला है। इसको हमने दिल्ली में, जब ये एयरपोर्ट से कहीं ट्रैवल करके वापस लौट रहा था, तो हमने एक ट्रैप लगा के हमारी एएटीएस टीम ने इसको अरेस्ट किया है। उसकी आगे उस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए उसके डिस्क्लोजर पे हमने कई जगह भारत के अन्य शहरों में रेड की और लास्ट में हमने महाराष्ट्र पहुंचकर पुणे से एक अन्य बदमाश अल्ताफ कसम अतर को अरेस्ट किया है, जो कि चोरी की गाड़ियों को आगे डिसमेंटल करके सप्लाई करके बेचने का काम करता था। तो हमने जब इस अल्ताफ अतर को गिरफ्तार किया तब वो उस समय खुद एक इनोवा गाड़ी की कटिंग का काम कर रहा था अपने वर्कशॉप में, वहाँ से हम उसको अरेस्ट करके लाए हैं। और इन दोनों की इन्फॉर्मेशन पे हमारे एटीएस टीम ने 15 गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियों को बरामद किया है, जिसमें कुछ गाड़ियाँ कनेक्ट हो गई हैं, जो इसमें से एक गाड़ी हमारे पुलिस स्टेशन पटेल नगर की भी है और अन्य गाड़ियाँ दिल्ली से ही चोरी हैं, लेकिन उनको भी कनेक्ट करने का FIR के साथ काम। जो 15 गाड़ियाँ हमने इनसे बरामद की हैं उसमें से 4 मारुति बलेनो गाड़ी हैं, 1 मारुति ब्रेज़ा, 2 मारुति स्विफ्ट, उसके अलावा 4 इनोवा टोयोटा क्रिस्टा गाड़ियाँ इनसे बरामद हमने की है, 2 टोयोटा फॉर्चुनर गाड़ियाँ, 1 शेवरले बीट और 1 किया सेल्टोस गाड़ी। इस तरह से 15 गाड़ियाँ हमने इन लोगों से बरामद की हैं। अजरुद्दीन अलियास अज्जू जो है, ये चोरों से, जो ऑटो लिफ्टर्स हैं, उनसे गाड़ियाँ लेता था और कुछ पैसे उनको देकर उनसे वो गाड़ियाँ खरीद लिया करता था। ये गाड़ियाँ क्योंकि चोरी की होती थी इसलिए बहुत ही सस्ती कीमत में 50-60 हज़ार रुपये में ही वो खरीद लेता था। कोई बड़ी फॉर्चुनर गाड़ी है तो वो 1 लाख रुपये तक देता था और उस गाड़ी को खरीद लेता था। उसके बाद वो उस गाड़ी के आगे रिसीवर्स उसको मार्केट में लाने के ज़रिए ढूंढता था और उसमें से एक ज़रिया ये था अल्ताफ, जिसको हमने अरेस्ट किया है, अल्ताफ अतर को पुणे से लेकर आए हैं। ये खुद एक कार मैकेनिक है और पहले आपको मेरठ में एक सोतीगंज नाम की मार्केट में इस तरह का काम होता था, जो बंद कर दिया गया है। तो अब ये रिसीवर्स को ढूंढने बाहर तक जाते हैं, तो वहाँ इनकी पहचान हुई थी मेरठ में और ये लगातार एक दूसरे के साथ काम करते रहे हैं। अल्ताफ अतर जो है वो गाड़ियों, एक ऐसी गाड़ी खरीदता था इंश्योरेंस कंपनी से जो कि टोटल लॉस में चली गई है, यानी कि कॉस्ट लॉस हो गया है। तो इस तरह की गाड़ी के पेपर्स के साथ कंपनी सहित उसे बेच देती है, उस पेपर्स के यूज़ करके गाड़ी का इंजन और चेसिस वो अपने पास रखता था और ऊपर का जो कंप्लीट बॉडी है वो नई चोरी की गाड़ी का उठा के उस पर लगा दिया जाता था। तो गाड़ी फिर से यूजेबल हो जाती है, नई हो जाती है, उस तरह ये उसको ला के मार्केट में बेचते थे और उन्होंने इसमें काफ़ी पैसा भी बनाया। इन्होंने अलग अलग जगहों पर सेल करी है, हमारी टीम ने गुजरात और महाराष्ट्र से गाड़ियों को बरामद किया। इसके साथ और भी लोग हो सकते हैं। अजरुद्दीन एक रिसीवर है, ये गाड़ी लेकर आगे बेचता है या उसके पार्ट्स करके उसको बेचा जाता है। तो ये एक रिसीवर है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमने अल्ताफ अतर को पकड़ा है और अगर और हमें इन्फॉर्मेशन मिलती हैं तो हम इसमें इसको और आगे बढ़ाएंगे। अपनी गाड़ियाँ चोरी की गई उनके ऊपर, क्योंकि दूसरी एक जेन्यून गाड़ी जो कि अब लॉस में चली गई थी, इंश्योरेंस ने उसको डिस्कार्ड कर दिया था, वो गाड़ी के पेपर्स 2-2.5 लाख रुपये में खरीद लिए गए विद द कार और उसके ऊपर जो नए पार्ट्स लगाने का काम है वो उन्होंने दूसरी गाड़ी के लगा दिए। तो अब हम गाड़ी के गियर बॉक्स या एयरबैग के थ्रू उसकी पहचान कर रहे हैं कि किस तरह उनको मैच किया जाएगा। आपके सवाल पे वापस आएंगे, ऑलरेडी 5 गाड़ियां हम लोग कनेक्ट कर चुके हैं जो दिल्ली से ही चोरी हुई हैं, बाकी लिफ्टर्स अभी इनके उस नॉलेज से हमें नहीं पता चले हैं, क्योंकि एक्चुअली ऑटो लिफ्टर के थ्रू हमें रिसीवर का पता चला था, बट हमने इनसे सब तरह की इंटरोगेशन की है और जो भी हमें जानकारी मिली है वी आर वर्किंग ऑन इट। ये लोग लगभग 5 साल 2019 से साथ में काम कर रहे हैं, ये 2019 से साथ में काम कर रहे हैं और अल्ताफ का कहना है कि लगभग 500 गाड़ियाँ वो इस तरह से तैयार करके, और कभी फुल पार्ट, मतलब सम पार्ट्स ऑफ द कार और समटाइम्स अ कंप्लीट व्हीकल, वो पूरे के पूरे इसने यूज़ किए हैं और नई गाड़ियाँ बना के आगे बेची हैं। जैसे कि इंश्योरेंस में कोई गाड़ी नहीं खरीदी गई लेकिन एक्सीडेंट, इंश्योरेंस कंपनी मान लीजिए 40 लाख की फॉर्चुनर है, तो वो 40 लाख की गाड़ी के इंश्योरेंस कंपनी पूरे 40 लाख नहीं देना चाहती, कई बार सस्ते में उसको पेपर्स को डिस्कार्ड करके गाड़ी को बेच दिया जाता है। उस तरह की गाड़ियों को ये उठाया करते थे ऑक्शन में, ये एक लीगल कार्रवाई है, तो उसमें ये गाड़ी के कागज़ों को ऑक्शन के तरीके से गाड़ी के कागज़ और गाड़ी को खरीद लेते थे। अगर गाड़ी का इंजन और चेसिस चलती हालत में तो बाकी के पार्ट उसके ऊपर लगा कर उसको आगे बेच दिया जाता था। अगर इंजन में भी कोई डिफेक्ट है, जैसे ये गाड़ी यहाँ भी दिखी है,
उसमें इंजन नंबर को भी इन्होंने टेम्पर करके उस पुराने कागजों के ऊपर उस गाड़ी को आगे बनाकर बेचा है। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।